ये उल्टे सब घटा दे रहे हैं। अभी साधन सहकारी समिति, साधन सहकारी समिति बेलहरी पर हमारा क्रय केंद्र चालू नहीं हुआ। आपने जाकर मैं जिलाधिकारी को लिखित दिया, कमिश्नर साहब को भी लिखित दिया, माननीय मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने भी कहा, उसके बाद भी कितना संवेदनहीन अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदया है, हमको तो समझ में आ रहा है, एकदम हृदय लगता है कि शून्य हृदय की महिला है, यह शून्य हृदय की महिला है। मैं तो बिल्कुल आरोप लगा रहा कि भाई जो भी अधिकारी जिला का जो मुखिया है वो अपने किसानों को गेहूं बेचने के लिए परिस्थिति क्रिएट न कर सके, जो सुविधाएं पहले से प्राप्त थी, चार वर्ष जो है भवानी सिंह खंगरौत ने प्रारंभ कराया था, चार वर्षों से लगातार वहाँ क्रय का काम चल रहा था और इस साल बंद हो गया, ये तो अच्छा चीज़ नहीं। तो मैं तो अपना धर्म पूरा कर दिया हूँ, उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से, मौखिक रूप से सबको मैं अवगत करा चुका हूँ, केवल एक मुख्यमंत्री जी बाकी रह गए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवाज हो सकता है। क्रय केंद्र पर अगर किसान प्रताड़ित हो रहे थे, इसका मतलब कि प्रशासन का शासन का जो है इसमें क्या है, देखिए कर्मचारियों और अधिकारियों के भ्रष्ट नियत के कारण ही जो है ये सब परेशानी आ रही, नहीं तो कोई परेशानी भी है तो समाज से स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कोई दिक्कत है तो उसका जो समाधान समाज निकालता है। समाज तो सक्षम व्यक्तित्व होता है, समाज से बड़ा बड़ा और मजबूत कोई भी होता है। आगे जो किसान हताश हुए हैं कि हमारा गेहूं जो है नहीं जाएगा, नहीं ये तो देखिए किसान के लिए क्या ये तो बात, मैं तो सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित किसानों से और सभी भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, सब निवेदन करता हूं कि आप लोग किसानों की पवित्रतम काम में सहयोग करें और सरकार की नियत के अनुसार सबका गेहूँ क्रय केंद्र हम करवाने का प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो मैं प्रजातांत्रिक ढंग से मैं अधिकारियों का विरोध भी करूँगा, प्रयास भी करूँगा, मैं इसमें चूकने वाला नहीं हूँ। हमारा चार केंद्र इसमें चल रहा है, पाँचवें केंद्र के लिए मेरा प्रयास चल रहा है, हो सकता है कि वो भी एक दो दिन में प्रतीक्षा में कर रहा हूँ, उसके बाद यदि कुछ नहीं होता है तो उस पर भी मैं एक्शन लूँगा। मैं अपने किसानों के हित के लिए कोई भी रिस्क ले सकता हूँ, मैं चुकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि द्वाबा की गरीब और सज्जन जनता ने जितने भी जो है बेईमान और भ्रष्ट और सामंत टाइप के जितने भी थे यहाँ द्वाबा के, सब मेरे विरोध किए, सब गरीब व्यापारी सदाचारी पूज्य लोग हमारा मदद करके ये किए हैं।